देवी मायां तु श्री कामास्ते जस कामो विभावसुन वशो कामो वसुन रुद्रान वीर कामो अत वीरवान। देवी मायां तु श्री कामास्ते, जिसे अगर लक्ष्मी चाहिए, ध्यान देना, लक्ष्मी चाहने वालों को माया देवी की उपासना करना चाहिए। जिसको तेज चाहिए, तेज चाहने वालों को अग्नि की उपासना करना चाहिए। जिसको धन चाहिए, धन चाहने वालों को वसुओं की उपासना करना चाहिए। जिनको वीरता चाहिए, उनको रुद्रों की उपासना करना चाहिए। बंधुओं देखिए, ज्योतिष के कुछ सिद्धांत होते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज धन बहुत कमाते हैं लेकिन धन ठहरता नहीं है, आता है और चला जाता है, स्थिरता नहीं आती है, आया और चला गया। देखिए जिनकी अगर ऐसी समस्या हो, एक ज्योतिष का बहुत अच्छा सिद्धांत है, एक छोटा सा उपाय है। चांदी की कटोरी में गाय का शुद्ध घी, रात्रि के समय उसको रख दो और जब सुबह सोकर के उठे हैं तो उस कटोरी में अपने मुख का दर्शन हमको करना चाहिए। नित्य प्रति अगर ऐसा करते हैं तो बोले जो चलायमान लक्ष्मी होती है वह लक्ष्मी हमारे घर में फिर ठहरने लगती है। ज्योतिष के सिद्धांत होते हैं। कहा गुरुदेव अगर किसी को आयु चाहिए हो तो आयु चाहने वालों को क्या करना चाहिए, बोले आयु चाहने वालों को अश्विनी कुमारों की उपासना करना चाहिए। कहा किसी को सुंदरता चाहिए हो, सुंदरता चाहने वालों को गंधर्वों की उपासना करना चाहिए। कहा महाराज तो एक काम बताओ, जिसके लिए सभी कामनाएं चाहना हो उसको क्या करना चाहिए। अकामा सर्व कामो बा मोक्ष काम उदार अधि तीव्रेण भक्ति योगेनो यजेत पुरुषम परम। ध्यान देना, सभी कामना चाहने वालों को केवल एक उपाय बताया गया, बोले उनके लिए तीव्र भक्ति करना चाहिए। तीव्र भक्ति क्या होती है? श्वास श्वास पर कृष्ण भज वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए। कई लोग पूछते हैं महाराज भजन का कोई समय है? है? सवेरे करें कि शाम करें कि दोपहर में करें? कोई समय नहीं है। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय हरि का ध्यान रखते चलो। और रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने भी लिख दिया, करते करम करहु बेधि नाना, करते सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हां बेल आइकन दबाना ना भूलें।